सारी जिंदगी इंसान अपनी सुहागरात का बड़ी बेसब्री से इंतजार करता है। मेरी बदकिस्मती ये थी कि मेरी सुहागरात उस रात को थी जिस दिन पाकिस्तान इंडिया का मैच था। मुझे नहीं अंदाजा था इस चीज का कि ये बंदा मुझे नहीं शाहीन अफरीदी को घर लेके आना चाहता, ना पाकिस्तान की विकटे गिरी ना इस बंदे ने मेरी विकटे गिरी। यकीन करें इस बंदे का बस नहीं चल रहा था कि अपनी बहन बाबर आजम को ये गया है। तुम्हें स्ट्रीट होती है ना, अगर वो वहाँ छक्के छुड़ा रहे हैं तो भाई तुम मेरे छक्के तो छुड़ाओ पहले। हाइलाइट्स देखने के बाद एग्जैक्टली जैसे स्टेडियम में लोग जमा होते हैं ना, वैसे इस बंदे ने अपने कमरे में अपने माँ बाप को बुलाया, अपने बहन भाइयों को, अपने कजन्स को बुलाया और उसके बाद उन्होंने शोर शराबा डाला। मतलब उन्होंने विकेट कीपिंग करनी थी, फील्डिंग करनी थी आगे कमरे में। नहीं मैं पागल हूँ, T20 ये लोग जीत जाएंगे, मेरे T20 का जनाजा निकल जाना है। यार एक चौका ही मार दो, चले वो भी मसला नहीं। फिर जिस दिन वलीमा था उस दिन न्यूजीलैंड पाकिस्तान का मैच था, सारी रात कमरे से चीखने की आवाजें आई। अफसोस इस बात का है कि वो मेरी आवाजें नहीं थी। मलिक के और आसिफ अली के नारे मारे हैं इस बंदे ने। उसके बाद इसने 2 बजे तक हारिस रूह की नींव में शेयर की। मेरी ICC वालों से दरख्वास्त है कि अब आपके आगे जितने भी पाकिस्तान के मैचेस हैं वो प्लीज दोपहर के टाइम में हमारे बॉयज परफॉर्म कर लें, रात के टाइम में मेरा मियां परफॉर्म कर लें।